गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे जावा में एप्लेट्स के बारे में। तो एप्लेट क्या होता है? एक जावा प्रोग्राम होता है जो ब्राउज़र में रन होता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो HTML के साथ काम करता है। इसे HTML कोड में ही इंक्लूड करके लिखा जाता है। तो एप्लेट कुछ नहीं है, एक जावा प्रोग्राम ही है। जैसे हम प्रोग्राम्स बनाते जावा में, दूसरे प्रोग्राम्स बनाते हैं, वैसे ही एक जावा प्रोग्राम है। लेकिन ये कहाँ रन होता है? ब्राउज़र के अंदर रन होता है। और ब्राउज़र में क्या रन होता है हमें पता है, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ब्राउज़र में रन होती है। इसका मतलब ये HTML के साथ काम करता है, और जिस फाइल में हम HTML का कोड लिखते हैं उसी के अंदर इसको इंक्लूड करते हैं। अब कैसे लोड करते हैं हम जावा प्रोग्राम के अंदर? तो जावा प्रोग्राम की जो फाइल होती है और HTML प्रोग्राम की फाइल होती है वो अलग अलग है। हम अलग अलग फाइल भी बना सकते हैं और एक फाइल भी बना सकते हैं। तो अगर अलग अलग फाइल हमने बनाई है और HTML फाइल में जावा प्रोग्राम को लोड करना है, तो हम उसके लिए एक टैग आता है, वो टैग हमें लिखना होगा। तो ये एप्लेट टैग HTML, हमें पता है HTML में हम क्या करते हैं, टैग्स लिखते हैं। तो HTML टैग यहाँ पर हम काम में लेंगे। जब कोई भी यूजर इस HTML पेज को ब्राउज करेगा, देखेगा, तो HTML के साथ में जावा प्रोग्राम भी लोड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लेट है जो जावा प्रोग्राम है उसको HTML फाइल को एक ही सर्वर पर सेव करना होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं सर्वर क्या करता है, जो आउटपुट जनरेट करता है वो एक HTML फाइल होती है, और वो HTML फाइल सर्वर क्लाइंट मशीन के ऊपर सेंड करता है। अब क्लाइंट मशीन के ऊपर एक ब्राउज़र में हमने वेबसाइट ओपन कर रखी है, तो वो HTML प्रोग्राम है, वो HTML फाइल उस ब्राउज़र के अंदर रन होती है और आउटपुट शो होता है। अब हमें क्या करना है, जावा प्रोग्राम को वहाँ रन करवाना है क्लाइंट मशीन पर, क्योंकि नॉर्मली जावा प्रोग्राम कहाँ रन हो रहा है, सर्वर पर हो रहा है। लेकिन एप्लेट क्या होता है, एप्लेट सर्वर पर रन नहीं होता है, क्लाइंट पर होता है। सर्वर पर क्या रन होता है, सर्वलेट। ठीक है, तो एप्लेट क्लाइंट मशीन पर रन होगा, तो वो HTML फाइल के साथ में उसको सर्वर पर सेव करेंगे और HTML फाइल के साथ में उसको क्लाइंट मशीन पर सेंड कर देंगे, और वहीं पर वो ब्राउज़र के अंदर रन होगा। अब एप्लेट यूज कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे एप्लेट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एप्लेट है वो ऐसा जावा प्रोग्राम है जो एप्लेट क्लास को एक्सटेंड करता है। ठीक है, हम किसी भी क्लास की हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं तो जावा में क्या लिखते हैं, एक्सटेंड्स। ठीक है, तो जो एप्लेट क्लास है हमारी, उसके अंदर हमारे जितने भी फंक्शंस काम में लेने हैं एप्लेट में, वो सारे उसमें हैं। तो हमें एक नया एप्लेट बनाना है, तो एप्लेट क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे और एप्लेट प्रोग्राम को डॉट क्लास एक्सटेंशन से सेव किया जाता है। नॉर्मली हम किससे सेव कर रहे थे, डॉट जावा से सेव कर रहे थे, लेकिन इसको करेंगे डॉट क्लास एक्सटेंशन से। जब कोई यूजर ब्राउजर में एप्लेट को देखता है तो एप्लेट का कोड उस यूजर की मशीन में डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, तो एप्लेट क्या होता है, क्लाइंट की मशीन में डाउनलोड होता है और फिर क्लाइंट की मशीन पर ब्राउज़र के अंदर रन होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, एक क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है। एप्लेट का कोड यूजर की मशीन में, क्लाइंट की मशीन में डाउनलोड होता है और एप्लेट ब्राउज़र में रन होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एप्लेट्स क्लाइंट साइड एप्लीकेशंस।
एप्लेट को रन होने के लिए जेवीएम की जरूरत नहीं होती, सॉरी एप्लेट को रन होने के लिए जेवीएम की जरूरत होती है, ठीक है, क्योंकि ये भी जावा प्रोग्राम है और जावा का कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन की उसको जरूरत पड़ेगी। अब जावा वर्चुअल मशीन मतलब कोई ऐसी कोई मशीन नहीं है जो हमें दिखती है, कोई हार्डवेयर नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर ही है जो जावा प्रोग्राम्स को रन कराता है। तो एप्लेट भी जावा प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली जेवीएम की ज़रूरत तो होगी ही होगी। तो अब ब्राउजर के अंदर जेवीएम कहाँ से आएगा? तो जेवीएम ब्राउजर है वो प्लगइन के रूप में हो सकता है, आपके सिस्टम में हो सकता है। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे आप जावा डेवलपर नहीं हो, जावा में प्रोग्राम नहीं बनाते हो, फिर भी आपको कंप्यूटर में जावा इंस्टॉल करनी पड़ेगी, क्योंकि आप नहीं करोगे तो जो वेबसाइट जावा में बनाई हुई है वो आपके सिस्टम पर सपोर्ट नहीं करेगी। अब ब्राउजर में तो रन होता ही है, उसके अलावा भी एक दूसरा ऑप्शन है हमारे पास एप्लेट को रन करने का, एप्लेट व्यूअर। हम एप्लेट व्यूअर में भी इसको देख सकते हैं। जब आप किसी एप्लेट प्रोग्राम को HTML में इंक्लूड ना करके डायरेक्टली रन करवाते हैं तो जावा ऑटोमेटिकली एप्लेट को एप्लेट व्यूअर में शो करती है, ठीक है। तो अगर HTML में इंक्लूड करेंगे तो ब्राउजर में आप रन कराएंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप इसको जावा ऑटोमेटिकली एप्लेट व्यूअर में शो कर देगी। अब जावा एप्लेट डज नॉट हैव मेन मेथड, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स देखे हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस देखी है, सब में मेन मेथड तो आता ही था, और हम ये बोलते थे कि जो प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है मेन मेथड से। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, आप फायर क्रैकर्स छोड़ते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, तो उसमें से एक बत्ती बाहर निकली होती है, उस बत्ती में हम आग लगाते हैं और उस बत्ती से आग जाके फिर उसके अंदर जो फायर क्रैकर है, जो पटाखा है, वो फूटता है। तो मेन मेथड एक तरह से उस बत्ती का काम करता है। जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको पकड़ता है, वो पकड़ता है मेन फंक्शन को पकड़ता है, वहीं से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। लेकिन एप्लेट में हम बोल रहे हैं कि एप्लेट प्रोग्राम में तो मेन मेथड होता ही नहीं है, तो फिर क्या काम करेगा, कैसे काम होगा? तो मेन मेथड नहीं होता है, इसके अलावा दूसरी चीज़ें होती है इसमें। एप्लेट क्लास क्या करती है, इसकी एक लाइफ साइकिल होती है, और लाइफ साइकिल में कुछ मेथड्स होते हैं, उनको इसमें प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये लाइफ साइकिल मेथड्स की हेल्प से हम एप्लेट को हैंडल करते हैं। कोई भी जो मेथड है, उस जो जितने भी मेथड है लाइफ साइकिल में, उनका एक स्पेसिफिक टास्क होता है, वो टास्क परफॉर्म करते हैं। एप्लेट की लाइफ साइकिल में सभी मेथड्स एक ना एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होते हैं, मतलब सब जितने भी मेथड हैं वो एक बार तो उनका नंबर आएगा ही एग्जीक्यूशन में। कुछ मेथड है वो एक से ज़्यादा बार भी हो सकते हैं, लेकिन सब कम से कम एक बार तो आएंगे। कुछ मेथड ऐसे हैं कि वो सिर्फ एक बार ही आते हैं, दोबारा नहीं आ सकते। तो देखते हैं ये मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो लाइफ साइकिल जावा एप्लेट्स की कुछ इस तरह होती है। एप्लेट क्लास है, उसमें 5 इम्पोर्टेंट मेथड होते हैं और जिनको आप ओवरराइड करते हैं, ठीक है, ओवरराइड कर रहे हैं ना, क्योंकि एप्लेट क्लास उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास बना रहे हैं। तो वहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दिया गया है फंक्शंस को, और उनकी डेफिनेशन हम लिखेंगे आगे। इन मेथड्स को लाइफ साइकिल मेथड भी कहते हैं। एक एप्लेट प्रोग्राम अपनी लाइफ साइकिल में इन सभी मेथड से होकर गुजरता है। ये सभी मेथड्स आपको एप्लेट प्रोग्राम पर कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला मेथड है इनइट। इनइट मेथड में क्या करेंगे, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं। जैसे कि नाम से देख रहा है इनइट, मतलब ये क्या काम करता है, इनिशियलाइज करने का। तो इसमें वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं और फिर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं,
किसी भी तरह का इनिशियलाइजेशन इस मेथड में कर सकते हैं, जैसे कि एप्लेट का बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं स्टार्ट। ये मेथड इनिट मेथड के बाद में ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ये मेथड ब्राउजर में एप्लेट को कॉल करता है। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले देख रहे थे हर एक प्रोग्राम में हम मेन फंक्शन काम में लेते हैं, यहाँ पर मेन नहीं है, तो मेन का काम कौन कर रहा है यहाँ स्टार्ट, क्योंकि इनिट के मेथड के बाद में ऑटोमेटिकली कॉल होता है और ये ब्राउजर में एप्लेट को कॉल करता है। स्टॉप, ये मेथड क्या करता है एप्लेट को स्टॉप करने के लिए यूज करते हैं इसको, जब एप्लेट वाले एचटीएमएल पेज को छोड़कर किसी दूसरी विंडो पर जाते हैं तो ये मेथड कॉल होता है। जैसे ही जिस एचटीएमएल पेज को हमने ओपन कर रखा है इसमें ब्राउजर में विंडो ओपन कर रखा है, जैसे ही उस पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं तो हमारे एप्लेट है उसका कोई काम नहीं है, उसने अपना काम पूरा कर दिया है, तो स्टॉप मेथड कॉल होता है। और एप्लेट क्या होता है पॉज होता है, स्टॉप में क्या होता है पॉज हो जाता है, और जब आप उसी विंडो पर आते हैं तो एप्लेट फिर से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बार बार कॉल हो सकता है स्टॉप वाला, जैसे दूसरे पेज पर जाएंगे ये स्टॉप हो जाएगा पॉज हो जाएगा, वापस आएंगे तो वापस शुरू हो जाता है। डिस्ट्रॉय, जब ब्राउजर को हम क्लोज कर देते हैं तो ये मेथड कॉल होता है डिस्ट्रॉय वाला और ये एप्लेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है पेंट। ठीक है, ये चार हमने फंक्शन पढ़े, ये तो अपने को यूज करने ही करने हैं और ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, लेकिन जो मेन काम हम कराएंगे वो पेंट मेथड में कराएंगे। पेंट मेथड में हम एप्लेट में कुछ ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं इसका, और ये मेथड स्टार्ट मेथड के बाद में कॉल होता है। एक एग्जांपल से हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि HTML फाइल के अंदर ही रन होता है, तो ये HTML फाइल है, ये आप इसमें देख सकते हैं HTML के टैग्स स्टार्टिंग हो गई। फिर जो एप्लेट वाला टैग है वो देखिए आगे आएगा, ये HTML के टैग ही चल रहे हैं, ये टाइटल आ गया हेड में और ये आ गया हमारा आ गया एप्लेट का, ये एप्लेट का टैग आ गया। इसमें देखिए एप्लेट कोड पिक्चर डॉट क्लास, जैसे मैंने बोला डॉट क्लास से इसको सेव करेंगे, विड्थ और हाइट दे दी और एप्लेट को क्लोज कर दिया, फिर HTML क्लोज हो गया। तो इस तरह की हमारी जावा फाइल रहेगी और हम एप्लेट का नाम, जो एप्लेट की फाइल बनाई है पिक्चर डॉट क्लास, वो इसमें दे देंगे। अब जावा की फाइल कैसे रहती है, जावा की फाइल कुछ इस तरह से रहेगी। जावा फाइल रहेगी जैसे कि हम लिखते हैं क्लास पिक्चर, पिक्चर हमने इसका क्लास का नाम दिया है और हम क्लास के नाम से जावा के प्रोग्राम को सेव करते हैं। एक्सटेंड, जैसे बताया कि एक्सटेंड करेगी किसको, एप्लेट क्लास जो इनबिल्ट क्लास है एप्लेट उसको एक्सटेंड करेगी। एक्सटेंड करने का मतलब ये एप्लेट क्लास है और इसकी चाइल्ड क्लास बन जाएगी, उसका नाम क्या होगा पिक्चर, तो पिक्चर क्या है एप्लेट की चाइल्ड क्लास है, ये एप्लेट है और इसकी चाइल्ड क्लास है पिक्चर। ठीक है, उसके बाद में हमारा मेथड आएगा, ये कुछ इस तरह से रहेगा पब्लिक void init, पब्लिक मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, void इसका रिटर्न टाइप हम यहाँ लिखते हैं, void का मतलब कुछ भी नहीं और init मेथड का नाम है, curly braces में इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। डेफिनेशन में हमने एक मेथड को कॉल कर लिया, कौन सा सेट बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर कैसा कर दिया हमने सेट रेड, तो रेड हमने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। उसके बाद में हमारा फंक्शन आता है पेंट, पेंट मेथड। ठीक है, इसमें हम करेंगे जी डॉट ड्रो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ड्रॉ करेंगे मतलब कुछ आउटपुट दिखाना है। ये जी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ग्राफिक्स क्लास का, तो ये ग्राफिक्स क्लास है उसका ही फंक्शन है ड्रॉ स्ट्रिंग, तो हमें पता है कि
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में किसी क्लास के फंक्शन को जो कॉल कराना होता है तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जी डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग एप्लेट्स आर फॉर GUI, इस तरह की स्ट्रिंग आउटपुट में हमें स्क्रीन पर दिखाई देगी। अब ये स्क्रीन तो हमारी बहुत बड़ी है और ये स्ट्रिंग छोटी सी है, तो ये कहाँ पर दिखाई देगी, क्या ऊपर वाले कॉर्नर में या नीचे वाले में या ऊपर या नीचे दाएं बाएं कहाँ? तो ये हमें XY कोऑर्डिनेट इसके देने होते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन है हमारी। अब इसमें कहाँ से शुरू होगी, तो ये वाला जो पॉइंट हमने दिया, जैसे इसके X कोऑर्डिनेट और Y कोऑर्डिनेट, कोई एक पॉइंट है स्क्रीन पर उसका X कोऑर्डिनेट Y कोऑर्डिनेट देंगे, वहाँ से हमारा आउटपुट स्टार्ट होगा। ठीक है, बाकी जो हमने फंक्शन बताए वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएंगे। अगर आपको स्पेशली उनके अंदर कुछ काम करवाना है तब आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे इनिट, इनिट में हमें काम करवाना है तो हमने क्या किया, रेड कलर कर दिया इसके अंदर, बाकी में हमें कुछ करवाना नहीं है। अगर आप स्टार्ट और स्टॉप उनमें भी कुछ करवाना चाहते हैं, डिस्ट्रॉय, तो उनका कोड आप लिख के उनमें कोड लिख सकते हो, नहीं तो ऑटोमेटिकली कॉल हो ही जाएंगे। अब पैरामीटर कैसे पास करते हैं एप्लेट के अंदर, एप्लेट API पैरामीटर पासिंग का फीचर प्रोवाइड करती है और जावा फाइल को पैरामीटर पास करने के लिए HTML एक पेरम नाम का एक टैग प्रोवाइड करती है। इस टैग को आप एप्लेट स्टार्टिंग और एप्लेट क्लोजिंग टैग के बीच में लिखते हैं। इस टैग के दो एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, अपने एप्लेट टैग देखा, उसमें देखा हमने एक तो हम फाइल का नेम दे रहे थे। ठीक है, तो ये दो पैरामीटर्स हैं। पहला एट्रीब्यूट क्या होता है, नेम होता है। इस एट्रीब्यूट में आप क्या करते हैं, वैल्यू का नाम लिखते हैं जो आप पैरामीटर के द्वारा पास करना चाहते हैं। दूसरा एट्रीब्यूट वैल्यू होता है और आप नेम एट्रीब्यूट में पास किए गए नेम की वैल्यू देते हैं। ये की वैल्यू पेयर की तरह वर्क करता है। गेट पैरामीटर मेथड होता है। जावा फाइल में पैरामीटर्स को इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, इसके बाद में इस वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए एक गेट पैरामीटर मेथड कॉल करते हैं। इस मेथड में पैरामीटर नाम पास करते हैं और जिसकी वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं, ये मेथड उस पैरामीटर की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर करता है। देखिए कैसे काम करता है। HTML हेड टाइटल आ गया, एप्लेट एग्जाम्पल, स्ट्रिंग यूजर नेम, तो हमारा यूजर नेम एक वेरिएबल बन गया और किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। पब्लिक वॉइड स्टार्ट, अब यूजर नेम हमारी स्ट्रिंग है, इसके अंदर कुछ वैल्यू असाइन करनी है तो हम करेंगे इक्वल टू गेट पैरामीटर। गेट पैरामीटर मेथड है और इसमें डबल कोट्स में हमने पास कर दिया यूजर नेम। पब्लिक वॉइड पेंट ग्राफिक्स जी, ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो एप्लेट है वो जावा का बहुत ही एडवांस्ड फीचर है और इसकी मदद से हम कई प्रकार के ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं। हम प्रैक्टिकली इसको करके भी देखेंगे, एनिमेशन वगैरह इसमें करके देखेंगे। पहले हम इसको एक बार थ्योरी देख लेते हैं ताकि हमें ओवरव्यू क्लियर हो जाए। और वैसे तो किसी भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब प्रैक्टिकली करोगे, प्रोग्राम लिखोगे, रन कराओगे, आउटपुट देखोगे, उसको एडिट करके देखोगे, फिर आउटपुट देखोगे, तो जितनी आप प्रोग्रामिंग करोगे उतना ही आप उसमें एक्सपर्ट बनते जाओगे। लेकिन एक बार थ्योरी देखना ज़रूरी है ताकि एक ओवरव्यू हमारे क्लियर रहे कि कौन कौन से फंक्शंस काम में लेते हैं। जावा एप्लेट, ये हमने जो वही है कि देखा अभी हिंदी में, तो एप्लेट एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम होता है जो एम्बेड होता है वेब पेज के साथ में और ये जनरेट करता है डायनेमिक कंटेंट को और ये रन करता है ब्राउजर के अंदर। एप्लेट के लाभ क्या क्या हैं, कुछ ना कुछ लाभ तो होंगे तभी एप्लेट को बनाया गया होगा, तो कई लाभ है वैसे तो, लेकिन कुछ हम यहाँ देखते हैं कि एक तो ये काम करता है क्लाइंट साइड पर, तो इसमें क्या होता है, रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम हो जाता है। अगर मान लो ये सर्वर पर काम करता तो क्लाइंट पहले रिक्वेस्ट भेजता और फिर सर्वर से रेस्पॉन्स आती, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता नेटवर्क के अंदर, ट्रैफिक भी बढ़ता नेटवर्क में। तो इसमें क्या होता है कि एप्लेट पूरा पूरा लोड हो जाता है ब्राउज़र में, तो लोड होने में हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन उसके बाद में आपका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। सिक्योर है ये, क्योंकि आपके क्लाइंट मशीन पर ही आपका डेटा कहीं बाहर नहीं जा रहा है,
आप वहीं पर डेटा इनपुट दे रहे हैं, वहीं पर आउटपुट आ रहा है, तो सब कुछ वहीं पर हो रहा है, तो ये सिक्योर है। और इट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाई ब्राउजर्स रनिंग अंडर मैनी प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग लिनक्स विंडोज मैक वर्सेस। ठीक है, तो एक जावा का जो मेन फीचर हमने देखा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस होता ही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका जो मशीन है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, ये सब में काम करेगा क्योंकि ये तो ब्राउजर में रन करता है। अब एडवांटेजेस है तो जैसा कि हर चीज़ के होते हैं कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होंगे इसके भी। तो पहला ड्रॉबैक तो ये है कि प्लग इन रिक्वायर होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि हमें जावा इंस्टॉल करके रखनी पड़ती है हमारे सिस्टम में, नहीं तो ये जावा वाली वेबसाइट नहीं काम करेगी। तो अगर आपने प्लग इन जावा का प्लग इन आपके ब्राउज़र में नहीं इंस्टॉल कर रखा है तो वो एप्लेट को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब कुछ सवाल है कि चलिए हम बाद में देखेंगे कैसे काम करते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे एप्लेट काम करता है, हायरार्की कैसे रहती है। तो नीचे से ऊपर की तरफ इसको दिखाया गया है, जे एप्लेट जावा का जो एप्लेट है उसकी एप्लेट क्लास को हम एक्सटेंड करके हमारा खुद का एप्लेट बनाएंगे। पैनल, पैनल में कंटेनर और कंटेनर में कंपोनेंट्स होंगे, कंपोनेंट्स के ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, जैसे कि ऊपर दिखाया गया है एप्लेट क्लास एक्सटेंड करती है पैनल को, पैनल क्लास एक्सटेंड करता है कंटेनर को, और ये सब क्लास होती है कंपोनेंट की। लाइफ साइकिल कैसे रहती है इसकी, तो सबसे पहले एप्लेट इनिशियलाइज होता है। जब हम एप्लेट का प्रोग्राम बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें विंडो में लिखा हुआ भी आता है, और ये हम थोड़ा उसको स्लिप करेंगे, थोड़ा स्लो चलाएंगे तब हमें दिखेगा, नहीं तो इतना फास्ट ये एग्जीक्यूशन होता है ना कि हमें दिख नहीं पाएगा, इससे जल्दी वो दूसरी स्टेप आ जाएगी इसकी। तो एकदम स्लो चलाएंगे तो वो दिखाएगा उसमें एप्लेट को इनिशियलाइज होते हुए, एप्लेट इज इनिशियलाइजिंग ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो सबसे पहले एप्लेट इनिशियलाइज होता है, फिर स्टार्ट होता है, फिर पेंट मेथड काम करता है, फिर स्टॉप होता है, और फिर डिस्ट्रॉय होता है। तो ये सारे मेथड्स हैं, ये जो सारी स्टेप्स हैं इसकी लाइफ साइकिल में। तो मेन अपनी पांच इसके अंदर एक्टिविटीज़ होगी, पांच मेथड्स काम करेंगे इसकी लाइफ साइकिल में। अब कौन से मेथड एक बार कॉल होंगे, कौन से बार बार कर सकते हैं, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये इस तरह से रहेगा। पहला मेथड रहेगा वो क्या रहेगा, एप्लेट इनिशियलाइज होगा, उसके बाद में एप्लेट स्टार्ट हो जाएगा, फिर एप्लेट पेंट होगा, फिर स्टॉप हो जाएगा, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये पांचों स्टेप्स काम करेगी। अब ये मेथड्स बनाते कैसे हैं, इनिशियलाइज करने के लिए होता है पब्लिक वॉइड इंट, और ये क्या काम में आता है, इनिशियलाइज करता है एप्लेट को, और ये सिर्फ एक बार कॉल होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, जो इनिट मेथड है, क्योंकि इनिशियलाइज क्या होगा, एक बार ही होगा ना, उसके बाद में स्टार्ट, ये इनिट के बाद में कॉल होता है। ठीक है, या फिर आप ब्राउज़र को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं तब ये कॉल होता है, और ये स्टार्ट करता है एप्लेट को। तो ये कई बार कॉल हो सकता है, जितनी बार आप मिनिमाइज मैक्सिमाइज कराओगे ब्राउज़र को उतनी बार ये स्टार्ट कॉल होगा। स्टॉप, ये स्टॉप करता है एप्लेट को। ठीक है, और ये कब कॉल होता है, जब आप इसको मिनिमाइज कराओगे ब्राउज़र को। जैसे आपने मिनिमाइज किया एप्लेट स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, मैक्सिमाइज करोगे तो वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मल्टीपल टाइम्स कॉल हो सकते हैं। फिर डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय है वो डिस्ट्रॉय होता है जब आप ब्राउज़र को क्लोज करते हैं, ये भी एक बार ही होता है। ठीक है, तो ये जैसे इंसानों का जो लाइफ साइकिल होता है उसी टाइप का है। इनिट मतलब किसी इंसान का जन्म होता है तो एक बार ही जन्म लेगा, उसके बाद में स्टार्ट और स्टॉप, वो तो स्टार्ट और स्टॉप डेली करते ही हैं,
दिन में पूरी दिनचर्या होती है, रात को फिर पोज हो जाता है, सोते हैं सब लोग, नींद आती है, फिर वापस अगेन दूसरे दिन वापस स्टार्ट हो जाते हैं शाम को स्टॉक, और डिस्ट्रॉय का मतलब लास्ट में डिस्ट्रॉय। तो वैसा ही कुछ लाइफ साइकिल है इसका। ठीक है, और पेंट मेथड होता है जावा डॉट ए डब्ल्यू टी का होता है, ये ए डब्ल्यू टी होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। तो ये होता है पब्लिक वॉइड पेंट, ग्राफिक्स क्लास का जी ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और ये एप्लेट के अंदर कोई भी इमेज वगैरह इंसर्ट करने के लिए, कुछ एनिमेशन करने के लिए हम काम में लेते हैं। और ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, उसको यूज करके हम ड्रॉ कर सकते हैं, अलग अलग शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है जावा इसका लाइफ साइकिल मैनेज करने के लिए एप्लेट का? तो ये जावा प्लगइन होता है सॉफ्टवेयर में। एप्लेट को कैसे रन कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया, दो तरीके हैं, या तो आप ब्राउज़र के अंदर रन कर लो HTML फाइल के साथ में, या फिर एप्लेट व्यूअर के अंदर आप कर सकते हैं जब टेस्टिंग करनी हो तो। अब HTML फाइल के अंदर कैसे करेंगे हम, ये तरीका दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक एप्लेट को क्रिएट करेंगे, एक HTML फाइल बनाएंगे, HTML फाइल में इसको एप्लेट को इंक्लूड करेंगे, और फिर हमने मान लो फर्स्ट डॉट जावा नाम से बनाया, इंपोर्ट कर लिया जावा डॉट एप्लेट डॉट एप्लेट, इंपोर्ट जावा डॉट ए डब्ल्यू टी ग्राफिक्स। ठीक है, इस तरह का ये प्रोग्राम रहेगा। अब यहाँ पर जो क्लास है वो पब्लिक होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जावा प्लगइन सॉफ्टवेयर से, वो कहाँ पर होगा, ब्राउजर में। तो इसलिए हमें जो क्लास बनानी है वो पब्लिक बनानी है, इसलिए हमने पब्लिक क्लास बनाई है। ये HTML फाइल बनाई है, हमें HTML फाइल के अंदर हमने इसको इंक्लूड कर लिया, और एप्लेट व्यूअर में कैसे रन करना है वो भी दिखाया गया। ये सारा हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, ये अलग अलग इसके मेथड्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर आपको इसमें वीडियो में समझ में आया है अच्छे से, आपको पसंद आया वीडियो, तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। और हम इसमें रेगुलरली नए नए वीडियो डालते रहते हैं, और आपको अगर इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल का जो बटन रहता है उसको आप प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो नए वीडियो आएंगे उनका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई आपके सुझाव हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।